बड़ी खबर का रुख करते हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने की ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर भी बैठक में मौजूद रहे। बैठक में मुख्य सचिव सुधांशु पंत भी मौजूद रहे। जयपुर अजमेर और जोधपुर डिस्कॉम के अधिकारियों के साथ में ये बैठक हुई है। प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा भास्कर सावंत समेत प्रसारण उत्पादन और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। बिजली उत्पादन डिमांड और सप्लाई समेत कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो ऊर्जा विभाग की ये समीक्षा बैठक, सीएम खुद इसमें मौजूद है, मंत्री हीरालाल नागर भी बैठक में मौजूद, और चर्चा ये कि आखिर कैसे उत्पादन हो चाहे सप्लाई हो, कैसे इसको बढ़ावा दिया जाए, कैसे कार्य किया जाए, क्योंकि जब भी गर्मी का मौसम आता है तब इस तरह की समस्या देखने को मिलती है कि बिजली कटौती करनी पड़ती है। तो आखिर ऐसी समस्याओं से कैसे निजात पाया जाए, बिजली उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए, इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की जा रही है। लोकेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। लोकेश, तस्वीरें देख पा रहे हैं, सीएम ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक ले रहे हैं, जानकारी दीजिए इसको लेकर। लोकेश सुन, माफ कीजिएगा, सहयोगी लाल सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लाल सिंह, जानकारी दीजिए समीक्षा बैठक को लेकर। देखिए, बिल्कुल, आज ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक ली है सीएम हीरालाल शर्मा ने, क्योंकि ऊर्जा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है प्रदेश का, किसी विकास की धुरी ऊर्जा पर डिपेंड करती है, और कई बार उन तथ्यों पर आज खासकर गौर किया गया। तो छीजत, जो बिजली की छीजत होती है, बिजली की चोरी होती है, बिजली की छीजत होती है, जिसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। कई बार जो नए मीटर्स लगे हैं इनकी लगातार शिकायतें आ रही हैं, उस पर भी चर्चा हुई है। इसके साथ जो अपनी परंपरागत स्रोत हैं बिजली के, चाहे सौर ऊर्जा को कैसे बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि राजस्थान दुनिया का हब है सौर ऊर्जा के लिहाज से, यहाँ भास्कर भवाल सबसे ज्यादा प्रसन्न रहते हैं। इसके बावजूद भी हम बहुत ज्यादा उत्पादन नहीं कर पा रहे, लेकिन अगर बीकानेर जोधपुर के जो प्लांट है वो काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम सौर ऊर्जा में एक सिरमौर बनकर उभरेंगे दुनिया में। उस पर उन्होंने चिंतन किया है। तो खासकर एक निर्बाध रूप से जो उपभोक्ता है, बिजली के उपभोक्ता है, उनको बिजली मिलती रहे, जो बिलों में दिक्कतें आती है वो ज्यादा नहीं आए। इसके साथ ही कई बार आपने देखा होगा पिछले जब सरकार के ऐसे हालात बन गए थे कि कई बार डार्क जैसे हालात बन गए थे कि कई जो प्लांट अचानक बंद हो जाते हैं, तूफान है या अन्य कारणों कारण, तो और फिर आपको बिजली कोयला नहीं मिल पा रहा था, कोयला के कारण ऐसे हालात बन गए थे, आपको प्लांट बंद करने पड़े थे। तो ऐसी स्थिति ना आए, यानी कि पहले से ही उन तमाम तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, उन तमाम हालातों को ध्यान में रखते हुए ऐसी विपरीत परिस्थिति आ चुकी है, तो हमें किस तरह प्रदेश के सभी नागरिकों को बिजली सुचारू रूप से उपलब्ध करा सके, उस पर एक रोडमैप आपके पास होना चाहिए, उसकी कार्ययोजना आपके पास होनी चाहिए। तो आज ये मीटिंग भी है और सीएम भजनलाल शर्मा की बड़ी पहली मीटिंग से कहा जा सकता है, जो कि तमाम बड़े अधिकारी इसमें मौजूद रहे, और उनका यही कहना है कि कभी भी कोई विपरीत हालात में हमें हमारे पास एक प्लान, जिसे कहते हैं हमारे बैकअप प्लान, हमेशा रहना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका लाल सिंह जानकारी के।